विधायक मुल्कराज प्रेमी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई योजनाएं जनता तक पहुंचे और उनका लाभ जनता को मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी खीर गंगा घाट के पास पार्किंग का निर्माण करवाना, घाट को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, गर्म पानी के कुदरती चश्मे तत्वानी, होली उत्तराला सड़क निर्माण, बीड बिलिंग को विकसित करना, बैजनाथ में बस अड्डे का निर्माण उनकी प्राथमिकताएं हैं। अतः संबंधित विभागों के अधिकारी इन विकास कार्यों के प्रति ढील न बरतें। कोताही करने वाले किसी भी विभाग के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुल्कराज प्रेमी ने बैजनाथ परपरोला के अधिकारी से कहा कि इसी नपम के नाम पर मेरा सर झुकता है, अतः वे अपनी कार्य प्रणाली का सुधार करें। उन्होंने बैजनाथ अस्पताल के SMO से कहा कि अगले दो दिनों में यहां और विशेषज्ञ डॉक्टर आ जाएंगे, अतः इस अस्पताल को रेफर अस्पताल ना बनाएं, अलबत्ता आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। पौधारोपण मात्र पौधे रोपने से सफल नहीं होगा, ये तभी सफल हो सकता है जब पौधारोपण के दौरान रोपे गए पौधों का संरक्षण भी किया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता तय की जाए। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर ने वन परिक्षेत्र स्वारघाट के तहत UPF जंगल सियोता में वन महोत्सव का शुभारम्भ करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकारें वनों को बढ़ाने के लिए चाहे जितने भी प्रयास कर ले, लेकिन वो इसमें तभी कामयाब हो सकती है जब स्थानीय लोगों को इन कार्यक्रमों में शामिल कर उन्हें जिम्मेवारी सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में लोग घास के लालच में जंगलों को आग के हवाले कर देते हैं, जिसके चलते वन क्षेत्र या तो कम हो रहे हैं या फिर उनकी घनत्व कम हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वन है तो हम हैं, वन होंगे तभी हमें जल मिलेगा। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस वन महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा वनों को आग से बचाने के लिए विभाग की सहायता भी करें। इस अवसर पर वन विभाग से आए DFO बिलासपुर सरोज पटेल ने बताया कि जिला बिलासपुर में पौधारोपण करने के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 109 हेक्टेयर भूमि पर 62,900 विभिन्न प्रकार औषधीय व फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें स्थानीय महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य संगठनों की सहभागिता से लगाए जाएंगे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रामलाल ठाकुर ने स्थानीय महिला मंडलों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेने तथा पौधारोपण करने पर भी सभी महिला मंडलों को 11,000 रुपए देने की घोषणा भी की। बिलासपुर जिला में लोगों को कानून की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में घुमारवीं उपमंडल के लहरिस लेर पंचायत में साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अक्षय शर्मा ने की। उन्होंने इस शिविर में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कानून संबंधी विभिन्न जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बिलासपुर जिला के कोने कोने तक लोगों को कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान की जा रही है और लोगों को लगातार इस विषय में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अपराध पीड़ितों की सहायता के लिए क्राइम विक्टिम स्कीम चलाई जा रही है, जिसका लोग लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में पिछले 10-12 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत लोगों को कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है, जो कि कारगर साबित हो रही है।